धुरकी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुहर्रम का पर्व आपसी सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। धुरकी प्रखंड मुख्यालय सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में और आपसी सौहार्द के साथ संपन्न हो गया। वहीं पर्व के दौरान इस्लामी झंडे ताजिया के साथ या हुसैन के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया था। इस दौरान जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर मुहर्रम के जुलूस में बच्चे नौजवान या अली या हुसैन के साथ मातम भी कर रहे थे। प्रखंड मुख्यालय स्थित इस्लामी झंडे ताजिया अखाड़े के साथ गुलशन चौक के निकट जुलूस निकाला गया और जुलूस अपने पुराने और निर्धारित रूट के अनुसार गुलशन चौक से बाजार समिति होते हुए मेन रोड से कर्पूरी चौक और शिवरी मोड़ तक निकाला गया। इसके बाद जुलूस करबला के मैदान में पहुंचकर संपन्न किया गया। इधर खाला गांव में मुहर्रम के जुलूस में थाना प्रभारी सदानंद कुमार, एएसआई कृष्ण रजवार सदल बल के साथ जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ड्यूटी में तैनात रहे। वहीं खाला मध्य विद्यालय परिसर में थाना प्रभारी ने मुहर्रम के अवसर पर लाठी डंडे से खेले जाने वाले खेल में स्वयं डंडा लेकर खेल का प्रदर्शन भी किया। थाना प्रभारी ने कहा कि मुहर्रम का पर्व बुराई और अच्छाई के लिए तथा मानवता का संदेश पूरी दुनिया में देने के लिए इमाम हुसैन लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। वहीं इस दौरान पूरे धुरकी थाना क्षेत्र में आपसी सौहार्द के साथ मुहर्रम का पर्व संपन्न हुआ। इधर सदर पंचायत के मुखिया महबूब अंसारी ने कहा कि मुहर्रम का पर्व बुराई और अच्छाई के लिए मनाया जाता है। इसमें इमाम हुसैन ने बुराई को खात्मा करने के लिए यजीद से लड़ाई की थी, इसके बाद लड़ते लड़ते उस लड़ाई में शहीद हो गए थे। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे। हम अपने